नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार आपके लिए लेकर आए हैं BSSC CGL प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, और ये जो है प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 2 है, प्रैक्टिस सेट संख्या 3 है। तो ये आपको BSSC एग्ज़ाम के लिए ही नहीं बल्कि ये बिहार दरोगा और 68वीं BPSC के लिए भी अनिवार्य है। तो इसे अब आप जो है अवश्य ही देखें। तो देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सबसे कम कुल क्षेत्रफल वाला संघीय प्रदेश लक्षद्वीप है, तो ये बात सही है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरला है, ये भी सही है। और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य यहाँ पर उत्तर प्रदेश, ये गलत है, क्योंकि सबसे कम साक्षरता दर जो है बिहार का है, तो वो भी जो है 61.8% है, और महिला में 51.5% और पुरुष में 71.2%। सर्वाधिक केरल हो जाएगा, और सर्वाधिक कुल क्षेत्रफल वाला राज्य तो ये राजस्थान है, और न्यूनतम क्षेत्रफल गोवा का है, और सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम का है। तो इस प्रकार से आपका सी विकल्प जो है गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार है? तो भारत का जो है सबसे बड़ा भाषा परिवार के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा इंडो आर्यन भाषा, राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? तो दक्षिण भारत की वो शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी नहीं है? तो बात करेंगे तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, मोहिनीअट्टम भी जो है केरल आंध्र प्रदेश का है, और फिर कथकली केरल का है, और बात करें कथक जो है ये उत्तर भारत का है, तो ये दक्षिण भारत की नृत्य शैली नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। शंघाई सहयोग संगठन SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किस शहर को घोषित किया गया है? तो ये भारतीय शहर वाराणसी जो है, जिन्हें की सांस्कृतिक और पर्यटन की राजधानी घोषित किया गया है SCO के द्वारा। अगले सवाल को देखें। चीनी विद्वान ह्वेनसोंग, तो ह्वेनसोंग जो है ये पूछा जा रहा है कि ये बौद्ध धर्म में का अध्ययन किया था कहाँ पर? तो इन्होंने जो है चीनी विद्वान ह्वेनसोंग ने कहाँ में बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया है? तो बौद्ध धर्म ग्रंथ का अध्ययन विजयवाड़ा में किया था। हालांकि देखें तो यह ह्वेनसोंग हर्षवर्धन के समय में आया था, जिसने कि नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, उस समय आचार्य शीलभद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था? तो 1930 महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को चलाया गया था, और 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च चलाया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, असहयोग आंदोलन 1920, खिलाफत आंदोलन 1919 से 24 तक चला था। अगले प्रश्नों को देखें। ऊर्जा की इकाई के बारे में कौन सा कथन गलत है? देखते हैं कौन सा कथन गलत है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻¹⁰ यहाँ पर जो है 6 जूल होता है, और ये इस प्रकार से जो है ये गलत है। और उसके बाद देखें तो 1 किलो कैलोरी बराबर 1 कैलोरी अर्थात कैपिटल सी पोषाहार कैलोरी है, और ये तो सही है। उसके बाद देखें 1000 कैलोरी बराबर 1 किलो कैलोरी, ये भी सही है। और उसके बाद देखें तो 1 कैलोरी बराबर 4.184 दिया है, 4.186 जूल होता है, ये भी सही है। अगले प्रश्नों को देखें। फरीद खान ने किस वर्ष शेरशाह की उपाधि धारण किया था? तो फरीद खान शेरशाह सूरी का बचपन का नाम था, तो इन्होंने शेरशाह की उपाधि जो है 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद धारण किया था। और बात करें तो 1540 में बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था, जिसमें कि 15 वर्षों तक लगभग हुमायूं निर्वासित जीवन बिताए। द्रविड़ मंदिरों की आकृतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो द्रविड़ मंदिरों जो है मंदिरों के बारे में देखें तो इनका जो है वृत्ताकार आयसत्र ये इनके बारे में गलत है, और आयताकार शाला ये सही है, और दीर्घ वृत्ताकार गज पृष्ठ ये भी सही है, और वर्गाकार कोटा ये भी सही है। तो सी विकल्प जो है गलत है। ग्लोबल हेल्थ
सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो भारत 66वें स्थान पर रहा है। अगले प्रश्नों को देखें। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में मीराबाई चानू ने किस भारग वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? तो ये जो है भारोत्तोलन में जो है मीराबाई चानू 49 kg भार वर्ग में जो है प्रतियोगिता में भाग लेती हैं, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। डांडी यात्रा कितने अनुयायियों के साथ शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम से डांडी के बीच गांधी जी ने लगभग 350 किलोमीटर 78 अनुयायियों के साथ प्रारंभ किया था और जो कि 24 दिनों तक चला था। अगले प्रश्नों को देखें। जिला दंडाधिकारी द्वारा बिहार पंचायती राज अधिनियम के तहत कितने आबादी पर एक पंच निर्वाचित करने का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है? यानी कि एक पंच जो है कितने जनसंख्या पर जो है एक पंच का जो है प्रावधान सुनिश्चित किया गया है? तो ये कुल मिला के जो है 500 के आबादी पर किया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। डेविस कप जो है 2021 के विजेता यानी कि फाइनल मैच किसने जीता है? तो डेविस कप जो है लॉन टेनिस से संबंधित कप है और ये जो है रसिया ने जीता था। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण में जो है बिक्री कर आते हैं, बाकी सहयोग कर, आयकर और वेल्थ कर, ये सब जो है प्रत्यक्ष कर है यानी कि डायरेक्ट टैक्स हैं। उसके बाद अगले प्रश्नों को देखें। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग को नियम और दिशा निर्देश जारी करने का अधिकार प्रदान करता है? तो वो जो है अनुच्छेद 354 जो कि चुनाव आयोग से संबंधित है और निर्वाचन से संबंधित भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक हैं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में रहती है? तो अरुणाचल प्रदेश में निवास करने वाली जनजातियाँ तो ये हो जाएगी नाइस जनजाति, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। भारत के किस राज्य में खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है? खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है जम्मू कश्मीर में। इम्फाल शांति संग्रहालय मणिपुर को किस देश ने उपहार में दिया था? यानी कि ये इम्फाल शांति संग्रहालय मणिपुर को दिया था और कौन सा देश उपहार में थी? ये जापान के द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और कौन सा कथन जो इनमें से सही है? उकाई बांध ताप्ती नदी पर निर्मित है, तो ये बात जो है बिल्कुलतः इनके बारे में सही है। और उसके बाद देखें तो पंचेत बांध का निर्माण ब्यास नदी पर है, तो ये पंचेत बांध जो है ब्यास नदी पर नहीं है, इसलिए ये गलत है और केवल जो है सी विकल्प सत्य हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। किस वर्ष में गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया? तो पुर्तगालियों बात करें तो बीजापुर के सुल्तान जो है यूसुफ आदिल शाह को पराजित कर अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा को अपने कब्जे में कर लिया था, जीत लिया था। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए, तो दिए गए विकल्पों को संबंधित शब्द को चुनना है। तो कंघी बाल में जो है कंघी का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर इसके समानुपाती यानी कि चुनना है, तो चाकू से सब्जियां काटते हैं, तो ये इनके समानुपाती में हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। टाइम पत्रिका का महिला एथलीट ऑफ द ईयर 2021 में किसे चुना गया है? तो महिला एथलीट ऑफ द ईयर टाइम पत्रिका ने किन महिलाओं को चुना है? तो ये सिमोना बाइल्स हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। सिंधु जल संधि जो कि 1960 में हुआ था, तो ये पूछा जा रहा है कि जिस पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किया गया और ऐसे नियम बनाए गए जो निर्दिष्ट करते हैं कि भारत सिंधु नदी प्रणाली में प्रवाहित जल के कितना प्रतिशत यूज कर सकता है? तो 1960 में बना है, तो भारत जो है सिंधु नदी का 20% पानी का इस्तेमाल करेगा और 80% जो है पाकिस्तान करेगा। अगले प्रश्नों को देखें। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन जो है
सही नहीं है। देखते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है, तो इनके बारे में सही है। और पंचायत व्यवस्था ग्रामीण शक्ति विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो ये भी इनके बारे में सही है। और पूछा जा रहा है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 को लागू हुआ, ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, इसीलिए जो है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, इसलिए गलत है। और यह त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी हुई संरचना है, तो ये बात सही है। अगले प्रश्नों को देखें। संविधान सभा की समितियों और नेताओं का इनमें से कौन सा युग्म गलत है? देखते हैं नियमावली समिति, तो ये प्रक्रिया और नियम समिति के अध्यक्ष तो ये थे राजेंद्र प्रसाद, जी बी मावलंकर नहीं थे, तो इसीलिए ये जो है गलत हैं। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल सही हैं, और राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू सही हैं, और मसौदा समिति भीमराव अंबेडकर ये भी सही हैं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किसे क्रेडिट की शर्तों का एक घटक नहीं माना जाता है? तो क्रेडिट के एक शर्तों का जो है घटक इनमें से किसे नहीं माना जाता है, तो बात करें दस्तावेजीकरण आवश्यकता ये सही है, ब्याज दर सही है, संपार्श्विक सही है, और ऋण की राशि ये इनके बारे में गलत हैं। राज्यसभा में सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु राज्यसभा या फिर विधान परिषद 30 वर्ष, और उसके बाद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष, लोकसभा और विधानसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, और पंचायती राज में भाग लेने के लिए जो है प्रत्याशी के लिए 21 वर्ष न्यूनतम उम्र। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचियाँ दल बदल से संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, जो कि 52वां संविधान संशोधन 1950 ईस्वी में जोड़ा गया था। तीसरी अनुसूची में बात करें तो विभिन्न अधिकारियों के जो है शपथ ग्रहण से संबंधित है। और 7वीं अनुसूची में संघ सूची राज्य सूची संवर्ती सूची है। 5वीं अनुसूची में जो है अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो स्थानीय शासन के बारे में है भाग 11 पंचायतें को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया, तो ये जो है इनके बारे में बिल्कुलतः गलत हैं, क्योंकि पंचायत का वर्णन जो है भाग 9 में है, और इसे 42वां नहीं बल्कि 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। और उसके बाद बात करें प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या कम से कम 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित, ये सही है। और बिहार राज्य जो है 50% दे दिया है। और राज्य चुनाव आयोग पंचायत चुनावों का आयोजन कराता है, तो ये सही है। और भारतीय गांवों के सभी मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, ये बात सही है। अगले प्रश्नों को देखें। एक विद्युत धारा उत्पन्न करती है, तो विद्युत धारा जो है क्या उत्पन्न करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये जो है ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करता है, चुंबकीय प्रभाव भी और रासायनिक प्रभाव भी उत्पन्न करती है, तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से सभी। अगले प्रश्नों को देखें। वायु कोष फेफड़ों के भीतर सूक्ष्मतम नलिकाओं के रूप में संपन्न होते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? तो ये वायु कूपिकाएँ कहलाती हैं, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। वह प्रक्रिया जिसमें एक अधिक महंगी धातु को एक सस्ती धातु के ऊपर विद्युत की मदद से निक्षेपित किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। भिन्न भिन्न रंगों का प्रकाश जब वायु से होकर संचारित होता है तो क्या होगा? तो जब भिन्न भिन्न रंगों का प्रकाश वायु से होकर संचारित होगा तो जो है इसकी वेग जो है समान रहेगी, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। सीवर पाइप बने होते हैं, तो सीवर पाइप के बारे में जो है बने होते हैं, तो ये कास्ट आयरन के बने होते हैं। एक सतह को दूसरी सतह पर फिसलने पर गति का विरोध करने वाला बल कौन सा है? तो ये बल हो जाएगा घर्षण बल। कंपनशील वस्तु की उसकी माध्य अवस्था से अधिकतम दूरी कहलाती है, तो वो आयाम कहलाती है।
उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके क्या देता है? तो अम्ल जो है क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल देते हैं। कैप्साइसिनोइड्स, तो कैप्साइसिनोइड्स केरोटीनाइड और फेनोलिक्स और विटामिन निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले प्रमुख रसायन है? तो ये प्रमुख रसायन जो है मिर्च में पाए जाते हैं। ताजमहल को किस प्रदूषण से खतरा उत्पन्न हो रहा है? तो ताजमहल को जो है वह कौन सा प्रदूषण है जिनसे कि खतरा उत्पन्न हो रहा है? तो ये SO2 सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। परमाणु के किस समूह की परमाणु त्रिज्या समान होती है? तो परमाणु त्रिज्या जो है समान होती है FeCO और Ni, लोहा, कोबाल्ट और निकेल का। अगले प्रश्नों को देखें। दो भिन्न जीवों के बीच संबंध जिसमें दोनों लाभान्वित होते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो वह दो जीवों के बीच संबंध रहेगा भिन्न जीवों के बीच और दोनों को लाभ होगा, तो इस प्रकार के क्रिया को हम सहजीवी कहते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो नाइट्रोजन का जो है परमाणु क्रमांक तो ये 7 हो जाता है। एक परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय हैं, तो अब निर्मित दर्पण यानी कि जिनका परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय है तो वह दर्पण कौन सी दर्पण कहलाएगी? तो वह अवतल दर्पण हो जाएगी। गेहूं में काला किट्टू रोग उत्पन्न होता है किसके द्वारा? तो गेहूं का काला किट्टू रोग जो है ये पक्षीनिया द्वारा उत्पन्न होती है। एस्कॉर्बिक अम्ल कहलाता है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन B1 थायमिन और विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन डी और तो हो जाएगा कैल्सिफेरॉल। अगले प्रश्नों को देखें। स्टील के कप में गर्म चाय को पीने की तुलना में इसे एक पार्सिलिन कप में पीना अधिक आसान होता है और ऐसा क्यों? क्योंकि पार्सिलिन एक ऊष्मा कुचालक होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है इसीलिए। अगले प्रश्नों को देखें। वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होते हैं, तो इस प्रकार के रासायनिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो ये विद्युत अपघटन हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। बड़ी आंत अवशोषित करती है किसको? तो बड़ी आंत जो है जल को अवशोषित करती है। अगले प्रश्नों को देखें। गुरुत्व के कारण चंद्रमा की सतह पर त्वरण क्या होगा? तो गुरुत्व के कारण जो है चंद्रमा की सतह पर त्वरण लगभग पृथ्वी के सतह का 1/6 गुना होता है। जब हम समुद्र तल से पर्वत के शिखर तक जाते हैं तो दाब किस प्रकार परिवर्तित होगा? तो जब हम समुद्र तल से पर्वत के शिखर तक जाते हैं तो दाब के बारे में पूछा जा रहा है, तो यह जो है कम महसूस होगा। अगले प्रश्नों को देखें। पुनरुद्भवन मिलता है किसमें? तो पुनरुद्भवन की जो है घटना किसमें होगा? तो वो हो जाएगा प्लेनेरिया में। स्तनियों में मादा द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन से हार्मोन द्वारा विकसित होते हैं? तो स्तन यानी कि स्तनियों में जो है मादा द्वितीयक लैंगिक लक्षण तो ये किस हार्मोन के माध्यम से? तो ये हो जाएगा एस्ट्रोजन। अगले प्रश्नों को देखें। दूरी क्या है? तो दूरी एक प्रकार से देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा? तो ये सदैव धनात्मक होती है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं मूल रूप से तो ये शहरी लोग थे। जैनियों के पहले तीर्थंकर, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर या फिर संस्थापक तो ये ऋषभदेव हो जाएगा, और फिर ये पार्श्वनाथ 23वें थे, अजितनाथ दूसरे थे। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? तो सौर मंडल का भाग जो है बात करें क्षुद्र ग्रह हैं, धूमकेतु हैं, ग्रह हैं, लेकिन निहारिका जो है भाग नहीं है। अगला सवाल है, उत्तर रामचरितमानस किसकी रचना है? रामचरितमानस तो तुलसीदास ने लिखा, लेकिन उत्तर रामचरितमानस भवभूति के द्वारा लिखा गया, मृषकटिकम सुदरक के द्वारा लिखा गया,
मदरा राक्षस वैशाख दत्त के द्वारा लिखा गया। स्वप्न बादशाह के लेखक भास हैं। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का संविधान के बारे में पूछा जा रहा है कि ये किस प्रकार का है। तो ये नम्य भी है और अनम्य भी है, अंततः कठोर भी है और अंततः लचीला भी है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी अधिक पाई जाती है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और अदृश्य बेरोजगारी, यानी कि मौसमी भी और अदृश्य बेरोजगारी, दोनों प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ देश है, एक तरफ मुद्रा है। जापान का येन, ब्राज़ील का रियल, चीन का युआन और इजराइल का जो है न्यू सेकल हो जाएगा, न्यू सेकल सेकल, तो इसलिए ये डॉलर नहीं होगा, डॉलर तो अमेरिका का है, तो चार हो जाएगा, यानी कि विकल्प चौथा जो है गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है, तो बिना मिट्टी के पौधों की वृद्धि को जो है हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक तो ये हो जाएगा नारायण पंडित। प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी में अधिवृत्ति प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय तो ये हो जाएगा अर्धशीर करसट जी, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अंटार्कटिका में पहले भारतीय अभियान के नेता तो ये थे एस जेड कासिम, और ये तीन अभियान भेजे थे, तो पहले हो जाएगा गंगोत्री, फिर उसके बाद मैत्री और तीसरे भारती। भारत के कौन से राज्य में सबसे बड़ा कोयला का भंडार है? तो ये हो जाएगा झारखंड में। राष्ट्रीय समुद्री दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष यानी कि हर साल मनाया जाता है किस दिन को? तो ये 5 अप्रैल हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 4A संबंध रखता है, तो भाग 4A में जो है मूल कर्तव्य हैं, जो कि वर्तमान में जो है 11 मूल कर्तव्य हैं, और ये जो है 51A अनुच्छेद में है, 51A को बोलते हैं, और ये जो है सरदार स्वर्ण सिंह के अनुशंसा पर जो है 1976 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। किस राज्य या फिर केंद्रशासित प्रदेश की आधिकारिक भाषाओं में से एक फ्रेंच है? यानी कि वो राज्य या केंद्रशासित प्रदेश जिसका आधिकारिक भाषा में एक फ्रेंच भाषा भी आता है, तो ये हो जाएगा पुदुचेरी में। उस भारतीय का नाम बताना है जिसकी कविता को बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया है, तो राष्ट्रीय गान के रूप में तो भारत का भी राष्ट्रीय गान और बांग्लादेश का, दोनों का लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। अमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश और जनगणमन भारत का। भारत में कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। अगले प्रश्नों को भी देखते हैं। भारत रत्न पुरस्कार विजेता बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक हैं। जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री तो ये बनी थी महबूबा मुफ्ती। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।